हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हनुमान चौधरी आपका वेट संजीवनी क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी दोस्त फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए जल्दी से, कि आज पढ़ने वाले हैं अपन ब्लड, और ब्लड के चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, छोटे बड़े लॉन्ग टिप्पणी वगैरह सारे सब क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले। तो सभी विद्यार्थी सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करें, और देखो अब आपके लिए रेगुलर क्लासें शुरू करने के बावजूद भी आप क्लासें बाद में देखते हो, नहीं देखते हो, यह आपकी गलती भाई, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर करो ताकि अपन आगे पढ़ सकें, आगे अपनी जो रेगुलर कंटिन्यू क्लास है, मुझे भी मजा जब भी आएगा जब आप कंटिन्यू क्लास लोगे, ठीक है। तो आज के लिए शुरू करते हैं अपन ब्लड के बारे में, कि ब्लड होता क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी आपको पता है ब्लड की परिभाषा भी पूछी हुई है, तो अपन एक बार शुरू से अपन पढ़ लेते हैं। मैं एक बार इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाने चाह रहा हूँ, ठीक है। ब्लड की परिभाषा जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, पिछला जो सोल्ड पेपर करवाया था फिजियोलॉजी का, उसमें पढ़ा चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की परिभाषा, ठीक है, ब्लड या रुधिर की परिभाषा, कि सब शरीर के विभिन्न अंगों में बहने वाला भाग क्या कहलाता है, ब्लड कहलाता है या रुधिर कहलाता है, ठीक है। विभिन्न भागों में बहने वाला एक द्रव्य पदार्थ जो शरीर के समस्त अंगों में बहता रहता है, ठीक है, भागों में बहता रहता है। तो ये तो थी आपकी ब्लड की परिभाषा। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ब्लड के जो प्रकार है वो तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, तीन प्रकार होते हैं, ये लो भाई आपके तीनों प्रकार। अब पहला है लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, इसमें जो रंग होता है लाल वो किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए सफ़ेद व रुधिर रंगहीन रहता है, ठीक है। तो जिसका रंग सफ़ेद रहता है, प्लेटलेट्स आपके थक्का बनाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये जनरल सी डिटेल थी, अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है तो अपन उसी के साथ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आपको बताया गया है रुधिर कोशिका, ठीक है, लाल रक्त कोशिका, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यह रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लाल रुधिर कोशिका ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद किसमें होता है, ऊंट व लामा में क्या पाया जाता है, उपस्थित होता है। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, पर लेकिन अपवाद है कौन, ऊंट और लामा, उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। तो पहली लाइन ये थी, पक्षियों में आरबीसी व प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, पक्षियों में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में रुधिर पाया जाता है, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, इरिथ्रोपोइसिस, परिभाषा में इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है। लाल रुधिर कोशिका की निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। लाल रुधिर कोशिका में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, लाल रुधिर कोशिकाओं की टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस कहलाती है। तो इसमें दो परिभाषा हो चुकी है, कौन सी, एक तो निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और लाल रुधिर कोशिका टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे की ओर, लाल रुधिर कोशिका का आरबीसी का आकार, ठीक है, तो लाल रुधिर कोशिका है या शॉर्ट में इसे आरबीसी कहते हैं, इसका आकार, पशु का नाम व आकार, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। गाय भेड़ बकरी में कैसी होती है, दिशा नुमा डिस्क शेप की होती है। ऊंट और लामा में कैसी होती है, अवतल एवं अंडाकार होती है। घोड़े में कैसी होती है, हल्का अवतल होती है। कुत्ते की भावकता तो द्विअवतली होती है, और मुर्गे में कैसी होती है, ये अंडाकार होती है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ज़्यादा हावी काम नहीं है, गाय भेड़ व बकरी में कैसी होती है, दिशानुमा या डिस्क शेप। ऊंट और लामा में कैसे अवतल एवं अंडाकार होती है। घोड़े में कैसी होती है, हल्की अवतल होती है। और द्विअवतल कोशिका में कुत्ते में मुर्गे की बात करें तो कैसी होती है भाई, अंडाकार होती है। अगला है आरबीसी का माप, बिल्कुल सही कहा है, आरबीसी का मापने से खालिस्तान में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। औसतन व्यास की अपन बात करें तो 4.1 से 7 यूनिमीटर होता है, ठीक है। अगर पशुओं में सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें तो किसकी होती है भाई, कुत्ता की, और सबसे छोटी किसकी होती है, आरबीसी बकरी की, इंपॉर्टेंट लगा लेना खालिस्तान में, ठीक है।
असमान आकार की लाल रुधिर कोशिकाओं का मिलना क्या कहलाता है? इनियोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? इनियोसाइटोसिस कहलाता है। और असमान आकृति की लाल रुधिर कोशिकाओं का मिलना क्या कहलाता है? पाइकियोसिटोसिस। पाइकियोसिटोसिस, ये लो भाई, ठीक है, अब आपको आसानी से दिख जाएगी। असमान आकार की बात करें तो एनियोसाइटोसिस कहलाएगी, ठीक है, और आकृति की बात करें तो क्या कहलाएगी? पाइकियोसिटोसिस कहलाएगी, ठीक है। तो यही हो गई आपकी आरबीसी के प्रकार, ठीक है, इसमें से इतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला टॉपिक जो है, विभिन्न पशुओं में आरबीसी का जीवन काल। विभिन्न पशुओं में क्या है? आरबीसी का जीवन काल। अब देखो, सामान्य जीवन काल कितना होता है? खालिस्तान में पूछा जा सकता है। सामान्य जीवन काल जो होता है 90 से 120 दिन का होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि औसतन कितना होता है तो कितना होगा भाई? 120 होगा, ठीक है। घोड़े में जीवन काल की बात करें तो 140 से 150 दिन होता है। जुगाली करने वाले रोमंती जो पशु होते हैं उनमें 125 से 150 दिन होते हैं। कुत्ता और मनुष्य की बात करें तो 120 दिन होते हैं। बछड़ा मेमना किड की बात करें तो 50 से 100 दिन होते हैं। बिल्ली की बात करें तो 70 दिन होते हैं। और मुर्गे की बात करें तो कितने होते हैं? 30 दिन। एक बात ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी तक तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 1 से 20 दिन का होता है, ठीक है। सामान्य जीवन काल 90 से 20 दिन का, औसतन जीवन काल 120 दिन का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपन लाल रुधिर कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाल रुधिर कोशिका के कार्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला जो कार्य है वो क्या है भाई? स्थानांतरण करना, ठीक है। क्या है पहला कार्य? स्थानांतरण करना। ये भी नहीं है, किसका स्थानांतरण करेगा? रुधिर में ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएगा? फेफड़ों में, ऑक्सीजन की फेफड़ों में उत्तकों तक पहुंचाएगा। यानी जो रुधिर में ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से कहां पहुंचाएगा? उत्तक में, और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से फेफड़ों में तक पहुंचाता है। कहने का मतलब यह है, रुधिर में ऑक्सीजन की फेफड़ों में उत्तकों तक पहुंचाता है, ठीक है। जो रुधिर में ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से ये कहाँ ले जाएगा? उत्तकों में ले जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से कहाँ लाएगा भाई? फेफड़ों में लाएगा। दूसरा इसका कार्य है नियंत्रण करना, यानी रुधिर दाब को बनाए रखना, शरीर पर चोट लगने पर रुधिर स्त्राव को रोकना। और तीसरा जो इसका कार्य है वो क्या है? सुरक्षा करना। क्या है? सुरक्षा करना। ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विभिन्न रोगों के प्रति आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर किस में पूछा हुआ है? 3 में। अभी बता दूंगा आपको सारी परिभाषाएं, ठीक है। रुधिर में ऑक्सीजन, तीनों पॉइंट लिखोगे, एक पॉइंट कौन सा? स्थानांतरण वाला, स्थानांतरण। दूसरा पॉइंट कौन सा लिखोगे? नियंत्रण करना, तब जाके वो क्या देगा आपको? नंबर देगा भाई। और तीसरा लिखना सुरक्षा करना, और सुरक्षा में क्या करोगे? सुरक्षा करना। तो ये सारी जो डिटेल है वो सारी चीज आपको लिखनी है, ठीक है। स्थानांतरण किसका कर रहा है? फेफड़ों से उत्तकों में पहुंचा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? उत्तकों से फेफड़ों में लाएगा। रुधिर नियंत्रण की बात करें तो ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है, शरीर पर चोट लगने पर रुधिर स्त्राव को रोकता है, ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विभिन्न रोगों के प्रति आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलो अगला है आपका, रुधिर कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। अगर भ्रूण अवस्था की बात करें अपन तो कहाँ आता है? योग सेक में। और युवा अवस्था की बात करें, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में होता है। और जन्म के पश्चात कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है भाई? जन्म के पश्चात बोन मेरो में होता है, ठीक है। लाल रुधिर कोशिका का निर्माण स्थल, ठीक है, भ्रूण में, योग सेक में, युवा अवस्था में, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में, और जन्म के पश्चात कहाँ होता है? बोन मेरो में। अगला है इसमें, साधारण आरबीसी की सांद्रताओं में विकृति। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन विकृतियों से, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पोलियोसाइथेमिया, यानी आरबीसी की संख्या बढ़ गई, उसमें क्या हो गया? पोलीसाइथेमियो। पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी बढ़ना, ठीक है। एनीमिया, आरबीसी की संख्या का घटना। हेमिचूरिया, मूत्र में आरबीसी का आना। हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी क्या आएगा? यूरिया में क्या आएगा? हीमोग्लोबिन आएगा। पाई यूरिया, मूत्र में क्या आएगी भाई? मवाद आएगी। चोलू यूरिया, मूत्र में बाइल पिगमेंट आएंगे।
लाइपोयूरिया यूत्र में वसा की मात्रा आएगी, ग्लाइकोस यूरिया ग्लूकोज का मूत्र में आना, प्रोटीन यूरिया में क्या होगा प्रोटीन उसमें आ जाएगी। ये परिभाषा आपको किस याद है, नाम से याद हो रही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। जैसे ही आप नाम लोगे हेमोचूरिया यानी मूत्र में आरबीसी का आना, हीमोग्लोबिन यूरिया हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना, पाइयूरिया मूत्र में मवाद का आना, चोली यूरिया मूत्र में बाइल पिगमेंट का आना, पाइयूरिया मूत्र में वसा का आना, ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज का मूत्र में आना, या प्रोटीन यूरिया प्रोटीन का मूत्र में आना। अब आप कहोगे सर आपको तो याद हो गई इसलिए ऐसे कहते हो, इजी है। जितना समझने की कोशिश करोगे और शब्द का अर्थ निकालोगे उतना ही जल्दी याद होगा, और रटने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी और तुम एग्जाम में ऊपर नीचे हो जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्लास को शांति से पढ़ना है, एक बार क्लास को लिख लो। फिर आपको लगता है कि इन इन परिभाषाओं में ज़्यादा हार्ड है या इनको नहीं लिख सकते, तो उनको एक बार लिखो, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो अगला, लाल उदीर कोशिका को नष्ट करने का स्थान, ठीक है, कौन सा, पालतू पशुओं में क्या होता है, बोन मेरो में जाके नष्ट हो जाती है, पक्षियों में क्या, लिवर, मनुष्य में क्या होती है, स्प्लीन यानी पलिहा में हो जाती है, ठीक है, पलिहा, और ये कहाँ होगी, यकृत में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण परिभाषा, हाँ सुनो मेरी बात, अब वो परिभाषा आ गई जिनका आपको इंतजार था, जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में दे रखी थी, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा, श्वेत रुधिर कोशिका अब पढ़ाऊंगा, प्लेटलेट्स अब पढ़ाऊंगा, न्यूट्रोफिल्स अब पढ़ाऊंगा, सीरम प्लाज्मा, माइक्रोफेज, हीमोपोइसिस, प्लाज्मा या आघात, ये परिभाषा अब तक आ चुकी है एग्जामों में इस ब्लड वाले चैप्टर से, ठीक है, इस ब्लड वाले चैप्टर से अब तक आ चुकी है ये परिभाषाएं, ठीक है। इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी आए हैं जो 100 टिप्पणी में, आघात है उसके प्रकार का वर्णन कीजिए, रुधिर के कार्य मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑक्सीजन का परिवहन आप बताना है, रुधिर कोशिका का नाम लिखो आपको बता दिया है, पहली कौन सी थी, लाल रुधिर कोशिका, कौन सी थी भाई, लाल रुधिर कोशिका, ठीक है, नाम लिखना है केवल, दूसरी कौन सी थी भाई, श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, और तीसरी कौन सी थी, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, तीसरी कौन सी थी भाई, तीसरी थी बिंबाणु या प्लेटलेट्स, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है, ये थी। चलो आगे देखते हैं, रुधिर कोशिका या कणिकाओं के कितने प्रकार की होती है, सभी का विस्तार से वर्णन कीजिए। चलो भाई अभी कर देते हैं वर्णन, कितने प्रकार की बताई थी आपको, तीन प्रकार की बताई थी, ठीक है, कितने प्रकार की होती है रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, पहली कौन सी बताई थी भाई आपको, लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका बताई थी आप लोगों को, ठीक है, दूसरी कौन सी बताई थी, श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, और तीसरी कौन सी थी, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ये लो भाई तीनों, सभी का विस्तार से वर्णन कीजिए, बिल्कुल सभी का अपन क्या करेंगे, विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो लिखना शुरू कर दो फटाफट से, देखो लाल रुधिर कोशिका के बारे में तो अपन ने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, लाल रुधिर कोशिका के बारे में तो अपन ने क्या कर लिया, सारी पढ़ ली है, ठीक है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल परिभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा लिख कर उसके तीन कार्य लिख देना। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी, श्वेत रुधिर कोशिका, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे भाई, श्वेत रुधिर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट कर दो सभी विद्यार्थी कि श्वेत जो होती है उसके बात करेंगे अपन। देखो सबसे पहले अपन इसमें क्या पकड़े, उपनाम, क्या भाई इसका उपनाम क्या है, तो देखो इसकी उपनाम की बात करें इसमें, तो इसका नाम है
उपनाम सराक्षात्मक एवं रक्षात्मक कोशिका, रक्षात्मक कोशिका, ठीक है भाई, कोशिकाएं। ये लो भाई आपकी कोशिकाएं हो गई, ठीक है। अब बात करें इसके साथ अपन किसके इसके बारे में, इसका जीवन काल कितना होता है, ठीक है, इसका जीवन काल, कितना होता है भाई, आपने भी तो कॉलेज में पढ़ा होगा ना कि इसका जीवन काल कितना होता है, बताओ भाई, देखिए सभी फटाफट से, 8 से 20 दिन का होता है, 8 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है। दूसरी चीज सुनो मेरी बात, पहला इसका जीवन काल हो गया, अब इसके में बात करें इसके केंद्रक की, केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स और आरबीसी में नहीं पाया जाता था, लेकिन अपवाद के तौर पर ऊंट और लांबा थे जिसमें पाया जाता था। अब दूसरी चीज इसकी, रंग सफेद क्यों होता है, सफेद रंग का कारण हीमोग्लोबिन, अनुपस्थित होने के कारण, क्या हो जाता है, इसका रंग सफेद या रंगहीन हो जाता था। कार्य की बात करें इसमें किसकी, कार्य की, तो क्या हो गया भाई, भक्षण करना, ठीक है, ये हो गया इसका कार्य। आगे बात करें इसके प्रकारों के बारे में, ठीक है, इसकी प्रकारों की बात करें, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा प्रकार कौन सा था, अग्रेन एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, हो गया। चलो अब बात करें इसमें किसकी, कि ग्रेनुलोसाइट के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं भाई, अरे ग्रेनुलोसाइट में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, बेसोफिल, इओनोसोफिल, और तीसरा कौन सा था भाई इसमें, न्यूट्रोफिल्स। ध्यान से याद करो, जब आपका खालिस्तान में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तब आपको मैंने करवाया था, उसमें बेसोफिल्स नहीं था और ये तीनों थे, ठीक है, तीन थे। ये प्रकार हो गए, ग्रेनुलोसाइट में 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भाई, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होता है बताओ, एक तो हो गया मोनोसाइट, एक हो गया लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये तो हो गए क्या भाई, इसके प्रकार हो गए, और इनके बारे में इस भाग में तो इतना ही लिखना है, क्योंकि अभी उसका भी बाकी है, ठीक है, बात करें तो अपने इसका भी बाकी है, ठीक है भाई। देखो दो प्रकार, पूरी आरबीसी के बारे में आ गया, एस ए डब्ल्यू आरबीसी के बारे में लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया, ये प्रकार लिख दिया। आप ज़्यादा लंबा लिखोगे तो फिर आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखना है। हाँ, प्रकार है आरबीसी के, मैं कंप्लीट करवा दूंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है। चलो अगला बच गया कौन सा आपका, बिंबाणु, तीसरा पार्ट, और प्लेटलेट्स, ठीक है। देखो ये चीजें याद करोगे ना तो आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मिलेंगे यही, आप चाहे कुछ भी करो, आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं, ठीक है, और नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, मिलेंगे यही,
चलो भाई, एक मिनट है ना। चलो अब देखो इसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे आप लोगों से, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो इसके बारे में लिखें अपन, सबसे पहले इसके बारे में लिखें, पशु के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, पशु के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई? बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है बताओ कितने दिन का होता है जीवन काल? देखो बताओ मेरे को, इसका जीवन काल होता है 8 से 11 दिन का। चलो आगे अपन पूछे, 8 से 11 दिन का हो गया, ठीक है। अब इसका कार्य की अपन बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना, कार्य चोट लगने पर, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना, इसका कार्य क्या है? चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना क्या है भाई? इसका कार्य है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो लिख लो यहां तक। लिख लो भाई, एक लाइन और लिख लो इसमें। देखो भाई इसमें एक लाइन और बची हुई है, यानी बिंबाणु या प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया। बिंबाणु प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? देखो बताओ, किसी को पता है तो बताओ भाई, ठीक है। क्या कहलाती है भाई? थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस कहलाती है। यहां तक लिख लो, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो भाई लिख लिया, दो लाइन आपके किस में और लिखनी है। चलो भाई आज अपन ने कितना पढ़ लिया? इतना पढ़ लिया, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। इसका पूरा का आंसर मिल चुका है। पहला है रुधिर कोशिकाओं के नंबर, एक नंबर मिल गया। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है भाई, तीनों के नाम लिख दिए, सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। चलो अब इसी के साथ कुछ परिभाषाएं बच गई, उनके बारे में अपन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिका के बारे में आप क्या लिखोगे? आपकी श्वेत रुधिर कोशिका हो गई है, ठीक है, और प्लेटलेट्स वाली भी हो गई है भाई। जो चीज मैंने लिखाई है वो इसमें लिखनी है, ठीक है। प्लेटलेट्स और दोनों हो गई है आपकी, ठीक है। चलो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। प्लाज्मा डबल बार आ गया, हीमोपोइसिस करवाई दिया आपको, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताते हैं अपन, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स सीरम प्लाज्मा और आघात, ठीक है भाई। चलो इसमें लिखो आप, न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रो फिल्स ये परिभाषा में है आपके, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं अपन, किसके बारे में? न्यूट्रोफिल्स के बारे में लिखेंगे भाई। लिखो इसके बारे में, न्यूट्रोफिल्स में क्या-क्या होता है? देखो भाई इसके बारे में, रुधिर में सबसे अधिक पाई जाती है, पहली चीज रुधिर में सबसे अधिक पाई जाती है, बात करें इसकी उपनाम
शरीर की पुलिस, शरीर की पुलिस, ये क्या हो गया इसका उपनाम हो गया। ठीक है, और इसके बारे में अपन छोटी छोटी चीजें देखो, तीन चार लाइन लिखनी है तो तीन चार लिखनी पड़ेगी अपने। संक्रमण के, संक्रमण के समय सबसे पहले पहुंचने वाली WBC, इसकी बात हो रही है, संक्रमण के समय सबसे पहुंचने वाली WBC। ठीक है, संख्या का बढ़ना, किसकी संख्या बढ़ेगी भाई, न्यूट्रोफिल्स की। जैसे ही संख्या बढ़ेगी उसे अपन क्या कहेंगे भाई, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। और जैसे ही संख्या क्या होगी, संख्या का घटना, संख्या का घटना क्या कहलाएगा भाई, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया क्या कहलाएगा, न्यूट्रोपिनिया कहेंगे। तो ये चार लाइन लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई। ठीक है, इसके साथ अपनी कौन सी बच गई इसमें, परिभाषा, न्यूट्रोफिल्स, सीरम और प्लाज्मा। ठीक है, सीरम, अगली परिभाषा लिखो, पहले लिखो प्लाज्मा और अगली है सीरम। देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा के बारे में करेंगे बात। ठीक है भाई, प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। ठीक है, लिखाते हैं, देखो एक मिनट रुको, चलो आपको लिखाई देते हैं। जब तक लिखो भाई आप हेडिंग डालो, जब तक सीरम और प्लाज्मा। चलो लिखो, देखो पहले तो इसकी लिखो अपने, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बन जाता है। पहला तो क्या हो जाएगा, जैसे ही शरीर पे चोट लगेगी रुधिर का थक्का बन जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या होता भाई, एक एक सांप, एक एक मिनट रुको, देखो आपको मैं शॉर्ट बनाता हूं, है ना परिभाषा की, बिल्कुल, एक साफ एवं पानी जैसा तरल पदार्थ आता है, पानी जैसा तरल पदार्थ आता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, सीरम कहेंगे। पर लेकिन इसमें एक चीज रहेगी, ठीक है, ये तो हो गई आपकी परिभाषा, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बन जाता है एवं एक साप एवं पानी जैसा तरल पदार्थ आता है, लेकिन फिब्रिनोजन, नोजन अनुपस्थित होता है। और प्लाज्मा की परिभाषा आपके पास लिखी हुई है, ठीक है, बुक में मिल जाएगी आपको, नहीं होगी तो आगे जो परिभाषा आएगी उसके अंदर अपन लिखा देंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट, चलो उतार लो फटाफट से ये चीजें। उतार लो भाई फटाफट से इसको, एक परिभाषा बच गई आपकी, इसकी जगह लिख लो माइक्रोफेज। कौन सी बच गई,
माइक्रोफेज बच गई भाई, ठीक है लिखो माइक्रोफेज में, लिखो भाई शरीर में, शरीर में बाहरी कणों एवं पदार्थों का भक्षण करना क्या कहलाएगी? माइक्रोफेज कहलाएगी भाई, ठीक है क्या कहलाएगी? माइक्रोफेज कहलाएगी। उतार लो भाई फटाफट से इसको भी। अब सुनो मेरी बात, एक परिभाषा आपकी और बच गई, कौन सी? आघात वाली, ठीक है। आघात वाली आपको करवाएंगे, इसमें क्वेश्चन भी थे, आघात एवं उसके प्रकार के बारे में, और परिसरण तंत्र में आघात वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसको दोनों को कमांड में एक साथ करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ा दी है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? अच्छा ये परिभाषा बीच में बग गई क्या? ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, और बता दी जाएगी। इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, अपनी क्लास 24 की एप्लीकेशन पर, ठीक है, किस पे? आप जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा ना, एक मिनट निकाल रहा हूँ मैं, देखो ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। जैसे ही आपकी एचडीपी की सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की क्लासे हो, आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो पशु परिचर वाला, क्योंकि राजस्थान में पशु परिचर की वैकेंसी है, इसके अलावा पशुधन सहायक की भर्ती का भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में एलपीएम है, एक्सटेंशन है, जेनेटिक्स है, वो सारी चीज़ें इसी में आएगी। 45 नंबर का कोर्स है, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, मात्र 899 रुपये में मिलेगी, ठीक है ये कोर्स। और अभी कोर्स खरीदते हो तो कितना? मात्र 899 रुपये में मिलेगा C20। आप यूज़ कोड लगाना इसके अंदर क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ, धन्यवाद।